वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी कपल ममता एंड शेषन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि देवउठनी एकादशी क्यों बोला जाता है। आज 4 महीने बाद विष्णु भगवान सोकर उठते हैं, इसलिए ये देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और यहाँ पे जो कार्तिक के जो भी सारे नए फल होते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं, जैसे आंवला और सिंघाड़ा, कन्ना, और आप देख सकते हैं पीछे ये गन्ना लगा हुआ है। इनको आज एकादशी के दिन चढ़ा के और फिर आप आगे स्टार्ट करते हैं खाना, उससे पहले इस फलों को कोई नहीं खाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। तुलसी विवाह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान से होता है, और तुलसी माता का पिछले जन्म में वृंदा नाम था और उनकी शादी जालंधर राक्षस से होती है, जिसका वध भगवान शिव करते हैं। और उस टाइम पे जो भगवान विष्णु होते हैं वो वृंदा जी को आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में मैं आपसे शादी करूंगा, इसीलिए तुलसी विवाह मनाया जाता है और हम सब इसको सेलिब्रेट करते हैं जो कार्तिक मास में होता है। सो अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ और आप सभी के साथ मैं पूरी पूजा शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने तुलसी के पेड़ के आसपास ये चावल का आटा पीस के उसमें चंदन मिलाकर ये रंगोली जैसा बनाया हुआ है, और ये तुलसी के पेड़ को डेकोरेट किया हुआ है साड़ी से, और उसमें साड़ी से ये लगा हुआ है, पूरा साड़ी से बांध के थोड़ा सा डेकोरेशन हल्का सा किया था। और अब आप ये देख सकते हैं ये पीतल की थाली में विष्णु भगवान के पैर बना रहे हैं, और ये देखिए विष्णु भगवान के जब पैर बन जाएंगे फिर हम उनके चरणों में सारा प्रसाद फल फूल चढ़ाते हैं। और ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ये सालिग्राम है, और सालिग्राम शुभ माना जाता है इसलिए, और तुलसी जी का विवाह हुआ था इसलिए सालिग्राम को उसने बांध के रखते हैं। और सबसे पहले हमने फूल चढ़ाया, और ये मैंने गुड़हल के माला थी उसे मैंने चढ़ाया। अब जो मैंने विष्णु भगवान के चरण बनाए थे भाभी ने, उन चरणों पे ये देखिए सारा फल ये रखे जा रहे हैं। ये सारे जो सीजनल होते हैं कार्तिक के, इन फलों को आज के दिन चढ़ा दिए जाते हैं और उसके बाद अब हम इन्हें खा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरा प्लेट में चढ़ा हुआ है, आंवला है, आंवला, मूली, ये सिंघाड़ा, ये सारी चीज़ें, गन्ने, इन सबको चढ़ाते हैं। और आप ये, और उसके बाद अब हम कोशिश करते हैं कि तुलसी की हर पत्तियों में सिंदूर लग जाए, और जब पत्तियों में सिंदूर लग जाता है उसके बाद हम ये जो मैंने दिया बना रखा था इसको जलाएंगे और आरती करेंगे और फिर कथा स्टार्ट। एक ब्राह्मणी थी तो उनको दो कन्या, एक ब्राह्मण थे उनकी एक शादी हुई तो वो मर गई, उनकी एक बेटी थी, एक पुत्री थी तो दूसरी शादी करके लाए तो उनकी भी एक पुत्री हुई, तो वो जो पहली पत्नी की पुत्री थी वो पूजा पाठ, तो जो उसकी जो बेटी थी दूसरी जो आई थी वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, तो वो जो पहली थी सारा काम करती होती थी, तो कहती जाइए मैं के भगवान के चक्कर में शादी को मत छोड़िए, तो कहें कि ठीक, बट फिर भी उनका मन अंदर से था कि मेरी बहू भगवान की पूजा नहीं करेगी, तो अपना वो चली गई। ये इनको दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने बच्चों को सुबह अपना उठाती थी, दूध पिलाने जब जाती तो अपने बच्चों को उठाने के बाद बैठ जाती थी, लेके दूध तेल मालिश करने वाला सारा सामान लेके बैठ के, कैसे ए गणेश चलिए आओ, नहीं तो अम्मा आएंगे तो कहेंगे कि हमारे भगवान जी को दूध नहीं पिलाएं, तो गणेश जी अपने सिंहासन से उतर के धीरे धीरे चले आए, उनको जब अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाए फिर उनको भी दूध पिला दे, ठीक है, अपने बच्चों को बोले जाओ खेल के आओ, उन लोगों को उनको भी बोले जाइए भगवान अपने सिंहासन पर बैठ जाइए, गणेश जी अपने सिंहासन पर चले जाएं, सारे जितने भगवान को बुलाती थी अपना चले जाएं सिंहासन पर बैठ जाएं, फिर जब पानी वानी जब गर्म कर लें नहलाने के लिए तो अपने बच्चों को बुलाए, तो उन्होंने बोला ए गणेश चले आओ, गणेश जी चले आए तो अपने बच्चों को नहला तेल लगाए, गणेश जी को भी लटा के तेल लगाने लगे, और अपने बच्चों को तेल लगाया, फिर अपने बच्चों को नहलाया, उन्हों को नहलाया, फिर पोछ पाछ सब कुछ क्रीम तेल काजल सब लगा के जा गणेश बैठ जा, फिर अपने बच्चों को भी ऐसे कहा। कुछ दिन बीता तो उनकी सास आ गई, शादी बीत गया तो दो चार दिन आई कभी की देखी सब उसी साफ सुथरा पड़ा है, बोली हमारी भगवान जी तो पूजा करती थी, तो कहें हाँ माँ पूजा करते थे, कैसे करती थी, कहें कैसे करते थे, सुबह उठते थे सारा काम कर लेते थे, अपने बच्चों के लिए दूध बनाते थे तो हमारे भगवान जी को भी दूध बना देते थे, तो सोचती थी कि मेरे भगवान जी को दूध कैसे बना देती थी, हम तो उनको जल से नहलाते थे फूल, फिर क्या करती थी, कहें अपने बच्चों को दूध पिलाते उन लोगों को दूध पिला देते थे, तो वो सोचने लगी कैसे दूध पिला देती, तो कहें कि फिर उसके बाद कहें कि फिर क्या करती थी, कहें जब अपने बच्चों को नहलाने जाते तो भगवान जी को भी नहला देते थे,
तो भी वो सोचने लगे या फिर अपने बच्चों को कपड़ा पहना, भगवान जी को भी कपड़ा पहना, तो वो बहुत वैसे पढ़ के अच्छा ठीक है कल भी तू ऐसे करे। अपने बहू बोले कि आज कल हम पूजा ना करा, कल तू ही पूजा करिए तो देखिए कैसे तू भगवान जी को करेगा। ठीक, सुबह अपना उठी, सारा काम कर ली, बच्चे उनके सो रहे थे, फिर अपना दूध वूध सब तैयार कर ली, सब कुछ करके बच्चों को उठाई, दूध पिला के ए गणेश चले आओ दूध पिला, तो गणेश जी ठीक करके चले आए दूध पिला ना, फिर कहीं जाओ बैठ जाओ, अपना जाके बैठ गए। अपने बच्चे भी उनके खेलने चले, खिलाने लगे, फिर खेल रहे, फिर टाइम हुआ, पानी गर्म किया, सब कुछ रख ली, बुलाई ए गणेश चलिए, जैसे बोलती कि नहीं मालिश करे तो अम्मा कहीं हमारे गणेश का सेवा ना करें, ऊपर से मालिश वालिश करके अपने फिर अपने बच्चों को मालिश की, उनको नहलाई, उनको नहलाई, पोछी माछी, काजल टीका लगाते, ए अम्मा देखा तुमने भगवान जी का पूजा कर लिए, नहला दिए, दौड़ के आई गणेश जी के पैर पे सर पटक दी, बोली कि हे भगवान हम पूजा करत करत मेरा बुढ़ापा आ गया पर आप दर्शन नहीं दिए, और मेरी बहू जो कि मतलब अभी 10 दिन से पूजा की, आप उसको दर्शन कैसे कहें कि माता आप हमको भगवान समझ के पूजा करती थी पर आपकी बहू मुझे अपना बेटा समझ के पूजा की थी, अपने लड़कों को पूजा, तो उस लड़के के रूप में हुए तो मुझे माँ के पास आना ही, इसलिए मैंने दर्शन उससे उनका जब कथा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद तुलसी के पेड़ की परिक्रमा की जाती है, ये जिसको हम फेरी भी बोलते हैं, और ये 5 या 7 बार करी जाती है। और जब ये परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले सिंदूर लेते हैं और उसको तुलसी के एक एक पत्ते में लगाते हैं और एक एक फेरा घूमते हैं, और 5 बार या 7 बार जब हो जाते हैं उसके बाद हम लास्ट में वंदना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और ये व्रत और विवाह संपन्न हो जाता है।